जय हिंद प्यारे बच्चों वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस कैसे हो बच्चे आप सभी आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तो प्यारे बच्चों हम लोग कक्षा अच्छा सात जे सी आर टी गणित पाठ पुस्तक में वाली पाँच दशमलव दो के प्रश्नों को हल कर रहे थे हमने पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या एक एवं प्रश्न संख्या दो के प्रश्नों को हल कर लिया था प्यारे बच्चों आज हम प्रश्न संख्या तीन एवं प्रश्न संख्या चार को हल करने वाले हैं चलिए बच्चा प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या तीन आप सभी के सामने तो बच्चों प्रश्न संख्या तीन यहाँ पे दे रखा है घातांक के नियमों का प्रयोग कर हल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए पहला प्रश्न दे रखा है 625 सौ पच्चीस हम 625 को घातांक के रूप में कैसे लिख सकते हैं बच्चा हम 625 का अभाज्य गुणनखंड याद करेंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे याद करते हैं मैंने आप सभी को प्रश्नवली पाँच दशमलव एक में बहुत ही शानदार तरीके से करवाया है यदि आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको यहाँ पे गुणनखंड याद करना अच्छी प्रकार से आता होगा तो हम 625 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे इसके बाद हम 27 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और हम इसे घातांक के नियमों का प्रयोग कर उत्तर को घातांक के रूप में लिख देंगे तो सबसे पहले यहाँ दे रखा है बच्चा 625 तो आप लिखिए 625 का अभाज्य गुणनखंड आप 625 का अभाज्य गुणन करोगे करो तो आप यहाँ से पाँच दोगे तो पाँच को आप यहाँ पे दो गे तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर आएगा बच्चा पाँच गुने पाँच गुने पाँच गुने पाँच यानी चार बार पाँच आया पाँच पच्चे पच्चीस पच्चीस पच्चे एक सौ पच्चीस और एक सौ पच्चीस बच्चे छः सौ पच्चीस आएगा इसे पाँच बार पाँच को चार बार लिख देंगे अब यहाँ पे सत्ताईस है तो सत्ताईस का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे सत्ताईस का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा बच्चा तो आएगा तीन गुना तीन गुना तीन यानी तीन तिया नौ नौ सत्ताईस इस प्रकार सत्ताईस का, का अभाजखंड अभाज गुण्ड हुआ तीन, तीन, तीन गुना तीन गुना तीन छः सौ पच्चीस का गुना अभाजुखंड हुआ पाँच गुना पाँच गुना पाँच गुना पाँच हम इन दोनों को यहाँ घातंक के रूप में लिख लेते हैं पाँच गुना पाँच गुना पाँच गुना पाँच कितनी बार पाँच है चार बार पाँच तो हम एक बार पाँच लिख के इसके घात में चार लिख देंगे यानी पाँच की घात चार तीन गुना तीन गुना तीन तीन कितनी बार है तीन बार तो हम एक बार तीन लिख के इसके घात में तीन लिख देंगे अब यहाँ पे आ गया पाँच की घात चार यहाँ तीन की घात तीन तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चा घातंकीय रूप यानी छः सौ पच्चीस और सत्ताईस का घातंकीय रूप क्या होगा तीन की घात तीन और पाँच की घात चार यहाँ पे हम इसे कुछ आगे नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों का आधार अलग अलग है यहाँ पे तीन है यहाँ पे पाँच है तो हम इसके घातों को इसी प्रकार से लिख देंगे हमारा उत्तर इतना होगा तीन की घात तीन गुना पाँच की घात चार ठीक है बच्चा चलिए प्रश्न संख्या दो को करते हैं प्रश्न संख्या दो दे रखा है छत्तीस गुना चौंसठ आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्न संख्या दो को मैं यहाँ से इसे मिटा के कर दूंगा प्रश्न संख्या दो को लिखेंगे बच्चा पहले छत्तीस तो छत्तीस का अभाज्य गुणनखंड छत्तीस का आप अभाज्य गुणनखंड याद कीजिएगा बच्चा तो यहाँ पे आएगा दो गुना दो गुना तीन गुना तीन यानी दो दूनी चार चार तिया बारह बारह तिया छत्तीस ये होगा छत्तीस का अभाज्य गुण्ड नीचे लिखेंगे यहाँ पे चौसठ ठीक है इसे हम लिख लेते हैं पहले घातों के रूप में दो गुना दो यानी दो की घात दो लिख देंगे तीन गुना तीन यानी तीन की घात दो लिख देंगे दो दो बार है तो दो की घात दो तीन दो बार है तो तीन की घात दो अब चौंसठ का भाज गुंड याद करते हैं चौसठ का भाज गुंड याद कीजिएगा बच्चा तो आएगा दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो, दो। यानी एक दो तीन चार पाँच छ एक दो तीन चार पाँच छ छः बार दो आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं दो की घात छः ठीक है दो की घात छः लिख देंगे अब हम इसे घातक के रूप में लिख देंगे सबसे पहले यहाँ पे आधार क्या है यहाँ पे भी दो यहाँ पे भी दो और तीन है तो दो गुना तीन लिखिए अब दो कितनी बार है यहाँ पे है दो बार और यहाँ पे है दो बार इन दोनों को यहाँ पे होगा गुना क्योंकि यहाँ पे बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना चिन्ह होगा तो घाते जुड़ जाएगी यहाँ दो है छः बार यानी दो की घात छः है और यहाँ दो घात दो है छः और दो को जोड़िएगा तो होगा आठ यानी दो की घात आठ लिख देंगे तीन की घात दो है तो ऐसे ही लिख दीजिए तीन की घात दो यानी छत्तीस और चौसठ का घात के रूप होगा बच्चों दो की घात आठ तीन की घात दो दो की घात हम आठ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इन दोनों संख्याओं की गुना हो रही है जब इन दोनों संख्याओं की गुना होगी तो यहाँ पे भी गुना होगा यानी हमने सीखा था कि यदि इन दोनों का आधार समान हो यहाँ पे भी दो है यहाँ पे भी दो है और इन दोनों के बीच गुना का चिन्ह हो तो इनके घात आपस में जुड़ जाते हैं छः और जो दो को जोड़ेंगे तो आठ होगा और इधर गुना तीन का घात दो था तो गुना तीन की घात दो इसी प्रकार से हम लिख देंगे बच्चों प्रश्न संख्या तीन दे रखा है सात सौ उनतीस तो इसे मैं मिटा देता हूँ आप इसे स्क्रीन शॉट ले लीजिए या तो फिर आप मेरे साथ ही नोट करते चलिए प्रश्न संख्या तीन यहाँ दे रखा है सात सौ उनतीस लिखेंगे सात सौ उनतीस का अभाज्य गुणनखंड सात सौ उनतीस का अब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा बच्चों तो आएगा यहाँ पे तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन गुना तीन यानी एक दो तीन चार पाँच छः छः बार तीन आएगा ठीक है छः बार तीन है तो इसको हम घात के रूप में लिख देंगे यानी तीन की घात छः लिख देंगे सिर्फ यही एक है तो इसका घातक के रूप में तीन की घात केवल छः हो जाएगा ठीक है नोट कर लीजिए प्रश्न संख्या चार दे रखा है एक हज़ार चौबीस तो फिर से लिखेंगे एक हज़ार चौबीस का अभाज्य गुणनखंड एक हज़ार चौबीस का आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा बच्चों तो आएगा दो गुना 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 दो यानी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस कितनी आया है दो फिर से गिन लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस आया है तो हम लिख सकते हैं दो की घात दस और सिर्फ यही है तो इसका घात के रूप भी यही होगा दो की घात दस ठीक है तो इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को बनाना था आशा करता हूँ कि आप ये बच्चे आप बच्चे प्रश्न को नोट कर रहे होंगे बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इसी के साथ हम करते हैं प्रश्न संख्या चार को लेकिन इससे पहले जितने भी बच्चे भारत उस क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो बच्चे आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा प्रश्न संख्या चार आप सभी के स्क्रीन में ये रहा प्रश्न संख्या चार कहता है बच्चा निम्नलिखित प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए सबसे पहले आप यहाँ पे प्रश्न को समझिए प्रश्न क्या कहता है माइनस तीन की घात सात गुना माइनस एक की घात पाँच और इस बट्टे यहाँ पे बट्टा दे रखा इसे हम लोग भागा भी बोल सकते हैं यानी माइनस तीन की घात सात गुना माइनस एक की घात पाँच भागा तीन की घात चार गुना तीन की घात दो तो इसमें आपको दो संक्रियाएँ करनी है यहाँ पे पहले आप गुना करके लिख लीजिए फिर आप यहाँ पे भाग दे दीजिए दे तो देखिए यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस से माइनस यहाँ पे कट जाएगा सिर्फ यहाँ पे माइ यहाँ पर तीन है और यहाँ पे एक है तो तीन की घात सात और यहाँ पे है एक की घात पाँच ठीक है तीन की घात सात लिख देंगे यहाँ पे और एक की घात पाँच एक की घात कितने भी रहे हमें उत्तर सिर्फ एक प्राप्त होगा और किसी भी संख्या को हम एक से गुना करते हैं तो प्राप्त वही संख्या आती है अर्थात हम यहाँ पे एक की घात पाँच लिख भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं तो यहाँ पे हमारा सीधा क्या हो जाएगा तीन की घात सात नीचे देखिए क्या करना है नीचे है तीन की घात चार गुना तीन की घात दो दोनों का आधार समान है यानी यहाँ भी तीन है यहाँ भी तीन है बीच में गुना का चिन्ह है तो हमने सीखा था यदि आधार समान हो बीच में गुना का चिन्ह हो तो इनके घाते आपस में जुड़ जाती है तो नीचे लिखेंगे तीन और तीन यहाँ पे चार है यहाँ पे दो चार और दो को जोड़ेंगे तो होगा छः यानी तीन की घात छः अब यह आ गया भाग के रूप में तीन की घात सात भागा तीन की घात छः हमने सीखा था यदि किसी यहाँ पे किसी भी घात के घातांक में यदि आधार समान हो तो उन दोनों के बीच भाग हो रहा हो तो यहाँ पे घातों के बीच अंतर होता है यानी सात में से छः घटा देंगे तो पहले लिखिए तीन और सात में से छः घटेगा तो आएगा एक हम तीन की घात एक का अर्थ क्या है केवल तो यहां पे सिर्फ इसका उत्तर होगा तीन इस प्रकार प्रश्न संख्या एक का उत्तर होगा आप नोट कर लीजिए प्रश्न संख्या दो दे रखा है बच्चा तीन की घात छः गुना टी की घात पाँच गुना पी की घात तीन नीचे दे रखा है तीन की घात दो गुना दो की घात दो गुना टी की घात तीन गुना पी की घात दो देखिए बच्चों इसके बीच में सबसे पहले भाग हो रहा है तो आप समान घात यहाँ पे समान आधार वाले घातों के साथ करोगे तो यहाँ पे तीन है यहाँ भी तीन है इसके बीच भाग हो रहा है यानी तीन की घात छः और तीन की घात दो इन दोनों का आधार समान है इसके बीच भाग का यहाँ पे हो रहा है तो घाते घट जाएगी तो बच्चों सबसे पहले हम प्रश्न को यहाँ लिख लेते हैं तीन की घात छः गुना टी की घात पाँच गुना पी की घात तीन नीचे दे रखा है तीन की घात दो गुना दो की घात दो गुना टी की घात तीन गुना पी की घात दो अब हमें देखना है कि समान आधार वाले कौन कौन से हैं यहाँ भी तीन है यहाँ भी तीन है इन दोनों का आधार समान है बीच में भाग हो रहा है तो घाते आपस में घट जाएगी यानी आप यहाँ छः में से दो घटाएंगे सबसे पहले लिखिए तीन छः में से दो घटाइएगा तो आएगा चार चार लिख देंगे बच्चों इसके बाद हम देखेंगे कि ऊपर में क्या है टी है नीचे में भी टी है क्या हाँ जी यहाँ पे टी है समान आधार मिल गए तो इसके बीच भाग हो रहा है तो घाते घट जाएगी सबसे पहले लिखिए गुना टी पाँच में से तीन घटाइएगा तो आएगा दो तो इसके घात में दो लिख दीजिए अब यहाँ पे ऊपर में पी पी की घात तीन क्या नीचे में भी कहीं पी है हाँ जी यहाँ पे P है P की घात दो है आधार समान है दोनों के बीच विभाजन हो रहा है भाग का चिन्ह है तो घाते घट जाएगी तो लिखिए P और तीन में से दो घटाएगा तो आएगा एक यानी P की घात एक आप लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो यानी ऊपर हो गया तीन की घात चार गुना टी की घात दो गुना पी की घात एक नीचे क्या बचा ये तो समाप्त हो गया इसमें घटा दिए हैं यहाँ पे टी में भी घटा दिए हैं पी से भी हो गया है नीचे सिर्फ बता बचा बचा, बचा दो की घात दो क्योंकि ऊपर में दो कहीं नहीं था तो दो का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ तो यहाँ नीचे में लिख देंगे दो की घात दो इस प्रकार प्रश्न संख्या दो का उत्तर होगा बच्चा तीन की घात चार गुना टी की घात दो गुना पी और बट्टा दो की घात दो ठीक है चलिए अब हम करते हैं इसके प्रश्न संख्या तीन एवं प्रश्न संख्या चार को प्रश्न संख्या तीन दे रखा है बच्चा सात की घात सॉरी पांच की घात सात गुना छः की घात दो पांच की घात तीन गुना दो की घात दो गुना तीन सबसे पहले आप यहाँ देखिए बच्चों कि यहाँ पे हमने जितने भी प्रश्न किए सभी के घात का जो आधार दे रखा था वह एक अभाज्य संख्या दे रखा था ठीक है जबकि यहाँ पे जो छ है वो तो भाज्य संख्या है यानी भाज्य संख्याएँ क्या होती है जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य के भी पहाड़ा से कट जाए उसे बोलते हैं और अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं जो केवल स्वयं और एक से कटे तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो भाज्य संख्या दे रखी है उसे हम अभाज्य संख्या के घात के रूप में लिख लेते हैं ठीक है अभाज्य संख्या लिखेंगे उसके बाद उसका घात बना लेंगे तो सबसे पहले यहाँ पाँच की घात सात है लिख देंगे अब छः है तो छः को आप गुना कीजिए छः को दो बार गुना करेंगे क्योंकि छः का घात दो है छः छत्तीस हो गया छत्तीस का आप अभाज्य गुणनखंड याद कीजिएगा बच्चों तो आएगा यहाँ दो की घात तो दो गुना तीन की घात तीन यानी दो गुना दो गुना तीन गुना तीन आएगा हम छत्तीस का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह आ जाएगा अब दो भी यहाँ पे अभाज्य संख्या है तीन भी अभाज्य संख्या है नीचे में भी दो की घात दो है और तीन की घात यहाँ एक है हम यहाँ पे आप कर सकते आसानी से तो नीचे लिखेंगे पाँच की घात तीन गुना दो की घात दो गुना यहाँ पे तीन इस प्रकार हमने लिखा प्रश्न अब आसान हो गया अब देखिए समान घातों के साथ कीजिए पांच की घात सात पांच की घात तीन दोनों के बीच विभाजन का चिन्ह है तो घाते घट जाएगी यानी पांच लिखिए और सात में से तीन घटाएगा तो आएगा चार यानी पांच की घात चार हो गया गुना दो ठीक है अब यहाँ पे देखिए दो की घात दो और दो की घात दो दो में से दो घटाएगा तो शून्य बचेगा तो यहाँ पे तो ये समाप्त हो गया कट जाएगा ऊपर नीचे से पूरा अब यहाँ पे तीन की घात दो तीन की घात एक तीन की घात दो में से एक घटाएगा तो आएगा एक यानी हम लोग लिख सकते हैं तीन तो पाँच की घात चार गुना तीन प्रश्न संख्या तीन का उत्तर होगा दो क्यों नहीं लिखा सर क्योंकि दो की घात दो ऊपर भी है दो की घात दो नीचे भी है ये तो पूरा कट जाएगा कुछ नहीं बचेगा तो इसलिए हमने नहीं लिखा इसका उत्तर होगा केवल पाँच की घात चार गुना तीन आप यहाँ पे एक इसकी घात में लगा भी सकते हो या नहीं भी अब प्रश्न संख्या चार करते हैं बच्चा प्रश्न संख्या चार दे रखा है सत्ताईस गुना एक की घात दो गुना बी की घात दो और गुना सी की घात तीन बट्टा में है यहाँ तीन की घात दो गुना ए बी सी इस प्रकार दे रखा है सबसे पहले सत्ताईस सत्ताईस का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आएगा तीन गुना तीन गुना तीन यानी तीन तिया नौ नौ सत्ताइस तीन आएगा तीन बार तो हम लोग इसके घात के रूप में लिख सकते हैं तीन की घात तीन सीधा अब जो दे रखा है ए की घात दो गुना बी की घात दो गुना सी की घात तीन इस प्रकार से लिख दीजिए नीचे दे रखा है तीन की घात दो गुना ए गुना बी गुना सी इस प्रकार लिखिए समान आधार को देखते हैं यहाँ भी तीन यहाँ भी तीन है बीच में यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो घाते घट जाएगी यानी तीन लिखिए और तीन में से दो घटाएंगे तो एक एक लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं सीधा तीन लिख देंगे ठीक है यहाँ पे है ए की घात दो और नीचे में एक की घात कुछ नहीं हो तो एक दो में से घटाएंगे तो एक यानी एक ए e लिख सी सीधा घात में एक लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकती हो बी की घात दो और बी की घात एक दो में से घटाएंगे तो एक सीधा भी लिखेंगे गुना भी सी की घात तीन और सी की घात एक तीन में से घटाएंगे तो दो यहाँ पे दो हमें लिखना होगा यानी सी और घात में दो यानी तीन गुना ए गुना बी गुना सी का घात दो तो यह गुना कर लेंगे तीन के गुना ए बी सी से करोगे थ्री ए बी सी और ए सी का घात दो यानी थ्री ए बी सी स्क्वायर इसका उत्तर होगा तो बच्चों ये थे संबंधित प्रश्नावली पाँच दशमलव दो के प्रश्नोत्तर इसके पार्ट वन को जितने भी बच्चों ने नहीं देखा आप लोग देख सकते हो अपने नोट्स बना सकते हो नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे प्रश्नावली पाँच दशमलव तीन के प्रश्नोत्तर तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा थैंक यू विचा